हेलो स्टूडेंट्स, ये सरस्वती प्रकाशन की इंग्लिश रीडर की जो बुक है, आप इस बुक को देख लें और ये बुक आप ख़रीद लें, जिससे कि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। इसका फर्स्ट चैप्टर हमने आपको करा दिया था, सेकंड चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश रीडर का ये सेकंड चैप्टर है, हैज़ हैव एंड हाउ मैनी, हैज़ हैव एंड हाउ मैनी। तो हमें इन वर्ड्स का यूज़ करना है इस चैप्टर्स में। आपको ये फोर वर्ड्स हैं, इन्हीं वर्ड्स का आपको ये यूज हुआ है। कैसे ये यूज हुआ है? हैज़ और हैव आपके प्रेजेंट में आते हैं, और ये हैड आता है आपका पास्ट में, और हाउ मैनी का मीन्स होता है कितने। ठीक है, जैसे दे रखा है दिस इज सुधा, ये कौन है? दिस मीन्स ये इज मीन्स है सुधा। सुधा क्या है? एक लड़की का नाम है, तो ये क्या है? ये सुधा है। ओके, सी हैज़ ए बैलून, हैज़ मीन्स होता है पास में, क्या होता है? पास। हैज़ का जो मीनिंग होता है वो होता है पास। तो सी मीन्स उसके, लड़की है तो उसके, हैज़ मीन्स पास, क्या है? एक बैलून, उसके पास एक बैलून है। ओके, सेकेंड है दिस इज सीता, दिस मीन्स ये है, इज मीन्स है, और सीता नाम है एक लड़की का, ये क्या है? सीता है, ये सीता है। सी हैज़ ए बैग, सी हैज़ ए बैग, उसके पास क्या है? एक बैग, बैग मीन्स थैला, बैग मीन्स क्या होता है? थैला। उसके पास क्या है? एक थैला है। ओके, नेक्स्ट है ए डॉग हैज़ वन टेल, एक कुत्ता क्या है? ए मीन्स एक, डॉग मीन्स कुत्ता, एक कुत्ता हैज मीन्स रखता है, क्या रखता है? वन टेल, यानी कि उसके पास क्या है? एक पूंछ होती है। किसकी पूंछ होती है? एक कुत्ते की एक पूंछ होती है। ठीक है, ए डॉग हैज फोर लेग, ए डॉग हैज फोर लेग, एक कुत्ते की चार टांगें होती हैं या पैर होती हैं। ठीक है, लेग्स मीन्स पैर बोल सकते हैं, टांगे भी बोल सकते हैं। तो एक कुत्ते की कितनी होती हैं? एक कुत्ते की चार पैर होते हैं, एक कुत्ते के चार पैर होते हैं। आई हैव ए बुक, आई मीन्स मेरे पास, आई मीन्स मेरे, हैव मीन्स पास, क्या है? ए बुक, मेरे पास एक बुक है। ये क्या है आपकी पिक्चर? किसकी बनी हुई है? बुक की पिक्चर, पिक्चर से ये, तो मेरे पास एक बुक है। आई हैव ए बैग, बैग मीन्स क्या होता है? थैला, जो आप स्कूल में आते हैं जो बुक्स लेके आते हैं, तो क्या ये थैला बोलते हैं इसको हिंदी में। बैग का मीन्स मीनिंग क्या होता है? थैला, मेरे पास एक थैला है। बीना एंड एन एप्पल, बीना हैड, बीना हैड, हैड मीन्स था, इनके एन एप्पल, बीना के पास एक एप्पल था। बीना के पास क्या था? बीना के पास एक एप्पल, इनके सेब था। एप्पल मीन्स क्या होता है? सेब। एन लगा हुआ है यहाँ पर, ए है तो एन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ए हमारा जो है वोवेल है, वोवेल से पहले हम एन का यूज़ करते हैं, और जितने भी कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं उनसे पहले हम ए का यूज़ करते हैं। तो बीना हैड एन एप्पल, बीना के पास एक सेब था। रितु हैज़ ए वाटरमेलन, वाटरमेलन भी जानते हो क्या होता है? तरबूज होता है। रितु के पास एक तरबूज है, रितु के पास एक तरबूज है। ओके, रितु के पास एक तरबूज है। नेक्स्ट है वी हैव, बी हमारा क्या है? प्यूलर वर्ड है। टू चेयर, यानी कि हमारे पास, वी हैव हमारे पास, टू मीन्स दो, चेयर्स मीन्स कुर्सियाँ, हमारे पास दो कुर्सियाँ हैं, हमारे पास दो कुर्सियाँ हैं। देखो दो कुर्सियाँ हैं, दो कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं, तो हमारे पास क्या है? दो कुर्सियाँ हैं। वी हैव थ्री पेंसिल्स, बी मीन्स हमारे, हैव मीन्स पास, हमारे पास, बी हमारा प्यूलर वर्ड्स है तो उसके साथ हमने हैव का यूज किया है, और सिंगुलर वर्ड्स के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, थ्री मीन्स थ्री पेंसिल, थ्री मीन्स ये होते हैं तीन, तीन पेंसिल हैं ये, और पेंसिल मीन्स क्या होती है? पेंसिल सी होगा। ठीक है, चेयर मीन्स कुर्सियाँ होती है, मगर पेंसिल को जो मीनिंग होता है वो पेंसिल ही होगा। तो हमारे पास तीन पेंसिलें हैं, हमारे पास तीन पेंसिलें हैं। ओके, नेक्स्ट है हाउ मैनी, हाउ मैनी मीन्स होता है कितने। फैंस हैव यू, हाउ मैनी कितने, फैंस मीन्स पंखे, तुम्हारे पास, यानी कि तुम्हारे पास कितने पंखे हैं, यानी कि तुम्हारे पास या आपके पास, यू मीन्स होता है तुम्हारे या आपके, यानी कि आपके पास कितने पंखे हैं। तो आई हैव टू फैंस, आई हैव मेरे पास, आई मीन्स मैं या मेरे, हैव मीन्स पास, आई है हमारा प्यूलर वर्ड्स, तो उसके साथ हमने हैव का यूज किया है,
तो मेरे पास कितने हैं, टू फैंस। कितने फैन हैं ये आपके, टू हैं। तो मेरे पास टू फैंस यानी कि दो पंखे हैं, मेरे पास दो पंखे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हाउ मैनी, कितनी बैग्स थैले हैव दे। इन दे मीन्स होता है यहाँ पर उनके, वैसे बे होता है, मगर उनके पास कितने थैले हैं। तो कितने थैले दिखाई दे रहे हैं आपको, थ्री थैले हैं। तो दे रखा है, दे हम यहाँ पर लिखेंगे दे हैव थ्री बैग्स। दे हमारा प्यूलर वर्ड्स है, प्यूलर वर्ड्स के साथ हम हैव का यूज करेंगे। तो दे हैव थ्री बैग्स, कितने बैग हो गए, दे हैव थ्री बैग, थ्री बैग है ये, थ्री बैग। हाउ मैनी गर्ल्स हैड बैग्स, इन्हें कितने लड़कियों के पास, कितनी, हाउ मैनी गर्ल्स तो कितनी लड़कियों के पास, हैड मीन्स थे, हैड मीन्स थे, कितने बैग्स यानी कि कितनी लड़कियों के पास बैग थे, कितनी लड़कियों के पास बैग थे। तो कितनी लड़कियां, ये थ्री गर्ल्स हैं, वन टू थ्री, तो थ्री गर्ल्स हैं, थ्री गर्ल्स हैड बैग्स यानी कि थ्री, तीन लड़कियों के पास, तीन लड़कियों के पास बैग थे। अब यहाँ पर हैड आया है, पास्ट में है, तो पास्ट में क्यों हैड जो यूज होता है वो सभी सिंगुलर के, सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड का यूज़ करते हैं, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थी या कितने छात्र हैड बुक्स यानी कि थी किताबें, कितने छात्रों के पास किताबें थीं, कितने छात्रों के पास क्या थी, बुक्स किताबें, कितने छात्रों के पास किताबें थी। तो यहाँ सारे बहुत सारे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, तो ऑल द स्टूडेंट्स आ जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स हैड बुक्स इनके सभी छात्रों के पास किताबें थीं, सभी छात्रों के पास किताबें थीं। क्लियर। ये चैप्टर्स मैंने आपको रीड किया है, ये सारे क्वेश्चंस आपको, ये सब आप पढ़ना है रीड घर पे, और इस पर दे रखे हैं वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, ये एक्सरसाइज है, तो प्रैक्टिस दीज वर्ड एंड नोन देयर मीनिंग्स। जो प्रैक्टिस दे रखे, जो वर्ड दे रखे हैं, इनको प्रैक्टिस करनी है और इनके मीनिंग बताने हैं। तो हैज मीन्स क्या होता है, ये एक वचन के साथ यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। हैव मीन्स का इसके मीनिंग भी है होता है, हैव का मीनिंग भी है होता है, ये प्यूलर के साथ यानी बहुवचन के साथ यूज होता है। हैड मीन्स होता है था, ये सभी सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हो चाहे प्यूलर हो, ये पास्ट सेंटेंस पास्ट में यूज होते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ में। हाउ मैनी कितने, हाउ मैनी कितने। बैलून गुब्बारा, बैलून मीन्स क्या होता है, गुब्बारा आपको पता है। डॉग मीन्स कुत्ता, चेयर मीन्स कुर्सी, स्टूडेंट्स मीन्स विद्यार्थी या छात्र, पेंसिल मीन्स पेंसिल होता है, पेंसिल मीन्स पेंसिल। ओके क्लियर। ये एक्सरसाइज दे रखे हैं, कंपेरिजन दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, ऑल दीज क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन दे रखे हैं नीचे, इनके आंसर आपको बताने, आंसर दीज क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के आपको आंसर बताने हैं। इसके पीडीएफ में और इनके वर्ड मीनिंग के पीडीएफ में आपको सेंड करूँगा, और आपको उस पीडीएफ के माध्यम से आपको जो है क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। जैसे तरह का हु हैज ए बैलून, इनके हु मीन्स कौन, हैज मीन्स रखता है, ए बैलून किसके पास बैलून था, तो आपने स्टार्टिंग पढ़ा सुधा के पास बैलून था, तो हु की जगह क्या आ जाएगा, सुधा, क्या जाएगा, सुधा। हैज ए बैलून, बाकी सब ऐसे ही लिखेंगे, हैज ए बैलून, हैज ए बैलून। क्लियर हो गया। हाउ मैनी लेग्स, कितनी टांगे होती हैं, कितने पैर होते हैं, डज ए डॉग, एक कुत्ते के, एक कुत्ते के किसके पैर, कितने पैर होते हैं, तो ए डॉग, ए डॉग हैज, कुत्ता तो एक ही है ना, तो उसके साथ हैज का यूज करेंगे। कितनी टांग होती है, फोर लेग्स, एफ ओ फोर, एफ ओ यू आर फोर, एल ई जी एक्स, लेग्स। क्लियर। इसका आंसर हाउ मैनी लेग्स डज ए हैव डॉग हैव, इनके एक कुत्ते के कितने पैर होते हैं, तो एक कुत्ते के चार पैर होते हैं, एक कुत्ता जो है चार पैर रखता है, ठीक है ना। हाउ मैनी टेल्स, कितनी पूंछ होती हैं, डज ए डॉग, एक कुत्ते के कितनी पूंछ होती हैं, तो ए डॉग, ए डॉग हैज ए वन टेल, वन टेल, एक कुत्ते की, एक कुत्ता जो एक पूंछ रखता है। क्लियर। नेक्स्ट है हाउ मैनी बैग्स, कितने बैग्स हैव दे गॉट, इनके कितने बैग हैं, उनके पास कितने बैग हैं, तो दे हमारा प्यूलर है, ठीक है, हैव दे रखा है,
तो हैव के दे के साथ हैव का यूज करेंगे। दे हैव कितने बैग थे? थ्री बैग्स थे। कितने बैग थे? थ्री बैग्स। क्लियर। हु हैड बुक्स? बुक कौन रखता है? बुक किसके पास है? तो हु की जगह क्या आ जाएंगे? बुक्स किसके पास थी? सभी स्टूडेंट्स के पास थी। तो ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट हैड बुक्स, यानी कि सभी भी छात्रों के पास किताबें थी। सभी छात्रों के पास किताबें थी। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग के जब पीडीएफ में आपको सेंड करूंगा और ये क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ सेंड करूंगा, जब आप क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाने थे इसलिए मैंने आपको इसी बुक में नोट किए हैं, आप अपनी नोटबुक में साफ राइटिंग में नोट करेंगे। ओके, कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज आपको हैज और हैव और हैड का यूज करना है। ठीक है, कंप्लीट हो जाना है। तो सुधा, सुधा आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज का यूज होगा। सुधा हैज ए बैलून। यू, यू हमारा क्या है? प्यूलर वर्ड्स है, तो प्यूलर के साथ में क्या वर्ड यूज होगा? हैव यूज होगा। तो यू हैव थ्री पेंसिल्स। बी, बी हमारा क्या है? प्यूलर सब्जेक्ट है, प्यूलर सब्जेक्ट के साथ हमारा हैव का यूज होगा, तो वी हैव फोर मैंगोज। हाउ मैनी, कितने? हाउ मैनी कितने? दे, दे हमारा क्या है? प्यूलर वर्ड्स है, हमारा क्या है? दे, प्यूलर वर्ड्स। प्यूलर वर्ड्स के साथ हम यूज करेंगे आप हैव का यूज करेंगे। द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स हमारे क्या हैं? प्यूलर से बहुत सारे छात्र हैं, तो साथ साथ फाइव बुक्स थी, तो हैड का यूज करेंगे, ये वाला हैड का। ठीक है, नहीं स्टूडेंट्स के पास फाइव किताबें थी। ओके, अब आई और बी, आई हमारा क्या है? प्यूलर वर्ड्स है, तो आई के साथ भी हम हैव का यूज करेंगे और बी के साथ भी हैव का यूज करेंगे और यू के साथ हम हैव का यूज करेंगे और सी के साथ हम हैज का यूज करेंगे और सी के साथ भी हैज का यूज करेंगे। ठीक है, और हैड जो है हम सभी के साथ यूज कर देंगे। हैड जो है हम सभी के, आई के साथ भी हैड यूज कर सकते हैं, बी के साथ हैड यूज कर सकते हैं और यू के साथ भी यूज कर सकते हैं हैड और ही के साथ, क्योंकि ये हमारा क्या है? पास्ट में है। पास्ट में हमारा जो होता है सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड का यूज कर लेंगे। ओके, तो इस टाइप से आपको हम इसके पीडीएफ में सेंड करूंगा, इसकी पीडीएफ सेंड करूंगा और आपकी एक्सरसाइज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और ये वीडियो के माध्यम से आप इस चैप्टर्स को आप बार बार देखेंगे और आपको इस चैप्टर्स को समझेंगे। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज अपने नोटबुक में कर लेना। हैव ए नाइस, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर होगा थर्ड, द लाइन एंड द माउस। ओके, ओके, बाय बाय।